उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल लगातार वार प्लटवार और नए बयानों का गवाह बनता जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी फिर से चैंपियन बनने के लिए प्रदेश के वोटर्स के लिए सौगातों का पिटारा खोल रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर लगातार तंज कस रही है। इस सब के बीच हैदराबाद से आकर उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में ताल ठोक रही असदुद्दीन अवैसी पर भी नजरें टिकी हुई है। दरअसल असदुद्दीन अवैसी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी को भी अपने निशाने पर लेते रहते हैं। कई बार रैलियों में तीखी बयानबाजी और उसके जवाब में पलटवार देखने को मिले हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे असदुद्दीन अवैसी भी शायद अपनी चुनावी रणनीति बदलते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक हिंदी चैनल से बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि जो चर्चा का हिस्सा बन गया है। इंटरव्यू के दौरान समाजवादी पार्टी से गठबंधन को सवाल पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोहब्बत कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती है। असदुद्दीन अवैसी ने समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए कहा कि सत्ता पाने के बाद समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भूल जाती है, हम फसाद में मारे जाते हैं और हमारी लाशों पर सत्ता आपको मिलती है। इंटरव्यू में बात करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव मेरे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव ने ही बयान देकर जिन्ना को चुनावी मुद्दा बनाया, जिसकी वजह से बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप योर वॉइस इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दें।